सर आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर रियली ग्रेटफुल ऑल ऑफ अस, एंड ये हमारे सबके लिए बहुत प्राइड की बात है, बहुत प्रिविलेज की बात है. वी वांट टू नो कि आपका क्या विजन है फॉर अ प्रोग्रेसिव स्टेट लाइक सिक्किम. पहले तो मैं आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, और ये मेरा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आए और सिक्किम के बारे में जो अभी काम कर रहे हैं इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ. मेरा एक कंसेप्ट है या मेरा विजन है कि मैं गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट हिसाब से चलाऊंगा. माई गवर्नमेंट विल बी ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड इक्वलिटी टू ऑल. सबको एक बराबर मैं अधिकार दूंगा जो कानून के हिसाब से मिलता है. सर, सो मैं ये नई सिक्किम का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे पूछना था सर, आपका यहाँ के यूथ के लिए क्या मैसेज होगा? मैं सिक्किम के सारे युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना भी अवसर हम अभी बहुत सारे अवसर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ नया गवर्नमेंट की तरफ से, वो अवसर के हिस्सा बन के वो आगे बढ़ना चाहे, और मैं पूरा अपॉर्चुनिटी दूंगा और मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ युवाओं के लिए. वो अपॉर्चुनिटी पे आगे बढ़ के उनको आप साथ लेकर चलना चाहिए, और जो यूथ का वर्क कल्चर है उसको परिवर्तन करना चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए अगर कोई काम करना है तो हमारा वर्क कल्चर चेंज करना चाहिए. तो इसीलिए मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूँ, जितना भी अवसर अब आने वाला है सिक्किम में, वो अवसर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अवसर को पकड़ना चाहिए तो आगे बढ़ सकता है बस. ओके, थैंक यू, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. Namaste. We've come to the last episode of our explorations of Sikkim, and it's been a wonderful and educative journey for the both of us. I can't believe हमारी journey अपने last stop तक पहुंच गई है. इतने कम दिनों में हमने इतना सब कुछ explore कर लिया, इतने कई सालों की history को explore कर लिया यार. We saw just how much the state has to offer and why it's been such a favorite holiday spot for all kinds of people, whether it's outdoor adventurers, spiritual explorers or culture enthusiasts. You know, Sikkim ke bare mein itni sari cheeze jaani, dekhi, seekhi aur samjhi. This journey has been a roller coaster of emotions. You know, from having a lot of laughs to some soulful experiences. Probably humne life ke bare mein bahut kuch naya seekha. This travelogue has truly been very enriching and eventful experience. We've seen and enjoyed the organic produce of Beul Demazong, the land of fruits, flowers and medicinal herbs, and our tummies couldn't be happier. I can't agree more. तो आज हमारी खोज का आखिरी पड़ाव है, तो हमने सोचा कि आपसे कुछ stories share करें about New Sikkim. But before that, हमारी जर्नी और हमारे सारे एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू. एंड थुजीची, 16 मई 1975 को ये सुंदर हिमालयी राज्य भारत का 22वां राज्य बना. सिक्किम के छोग्याल्स ने यहाँ 300 साल से ज्यादा शासन किया और शांति और सद्भावना की ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी बरकरार है. न्यू सिक्किम आज भारत के मॉडल राज्यों में से एक है. द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया जैसे अक्रेडिटेशन के साथ सिक्किम ने पिलग्रिमेज टूरिज्म को डेवलप करने की दिशा में भी बहुत प्रोग्रेस की है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज इन सिक्किम इज संगा छोलिंग, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ डिवाइन टीचिंग. दिस मॉनेस्ट्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1642 बाय ल्हामा ल्हासुन चेम्पो, द पेट्रन सेंट ऑफ सिक्किम. दिस हिल टॉप हैज बीन फर्दर डेकोरेटेड बाय द रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड स्टैचू ऑफ चेरिजी. And like you can see, यहाँ से पूरा 360 degree view मिलता है of the hills all around. पेमयांगसी मॉनेस्ट्री की तरह संगाचोलिंग मॉनेस्ट्री भी निंगमा संप्रदाय से संबंधित है और मिंडोरिंग लीनेज को फॉलो करती है. तीसरे लात्सेन जिग्मे पाओ ने 1714 में मॉनेस्ट्री का पुनर्निर्माण करवाया. अपार्ट फ्रॉम द स्टैचूज ऑफ मेनी लोकल डीटीज, यहाँ लेप्चा कम्युनिटी के एक महान चीफ मिन थेकोंग सहलांग का स्टैचू भी रखा गया है, जो माना जाता है कि ल्हासुन चेम्पो ने बनवाया था. With increasing popularity of Sikkim among tourists in other parts of India, pilgrimage tourism को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ कई नई जगह बनाई गई हैं. And this is one of them. चेरिजी, also known as अविलोकितेश्वरा का स्टैचू 137 feet tall है, और ये पहले वेस्ट सिक्किम में है, next to संगाचोलिंग मॉनेस्ट्री.
अकॉर्डिंग टू टिबेटन बुद्धिज्म, एवरी हाउसहोल्ड और मॉनेस्ट्री के ऑल्टर पे यू फाइंड थ्री डेटीज, द छोलुंग थ्रुसुम और द ट्रिपल जेम. विद द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टैच्यू, सिक्किम हैज बीन ब्लेस्ड टू हैव थ्री मॉन्यूमेंटल फिगर्स ऑफ द छोलुंग थ्रुसुम, दैट इज चेरिजी हियर इन पेलिंग, गुरु पद्मसंभवा इन नामची एंड लॉर्ड बुद्धा इन रावंगला. अवलोकितेश्वरा या चेरिजी को सेल्फ बॉर्न इटर्नल बुद्धा या अमिताभा का अवतार माना जाता है. उन्हें असीम प्रेम और करुणा का भी स्वरूप माना जाता है. विद द बिलीफ दैट लाइफ के कई चैलेंजेस और डिफिकल्टीज के वक्त वो हर किसी की प्रार्थना को सुनते हैं. चेरिजी की प्रतिमा या चेरिजी शिंघम का मतलब होता है हेवन ऑफ लॉर्ड चेरिजी. 7200 मीटर्स की ऊंचाई पर बनाया गया ये स्टैचू लगभग 8 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है. यहाँ का दूसरा अट्रैक्शन है एक ग्लास स्काईवॉक, जो टूरिस्ट को जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में चलने का एक्सपीरियंस देती है. हमारे और हवा के बीच में ये ग्लास है. That's also true. Looks scary. But it's also fun. See? So now, हम हवा में खड़े हुए हैं. तू खड़ी हो जा, मैं जा रही हूँ. बाय. अरे रुको. पेलिंग के मेन टाउन से कुछ ही किलोमीटर दूर चेरिजी पार्क वेस्ट सिक्किम का एक बहुत ही खूबसूरत और ब्लेस्ड डेस्टिनेशन है. इस वेल लोकेटेड स्पॉट से वी गेट वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ द मजेस्टिक खाचेजिंगा एंड आल्सो ऑफ मोस्ट ऑफ वेस्ट सिक्किम. काफी लंबे वक्त तक रावंगला एक छोटा सा टाउन रहा है बिटवीन प्रोमिनेंट प्लेसेस लाइक गेजिंग एंड गैंगटॉक. हालांकि बुद्धा पार्क बनने के बाद ये एक काफी नया और अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है. फ्रॉम हियर यू कैन हेड टू द हॉट स्प्रिंग्स एट रालंग और बोरोंग. यू कैन ऑल्सो हेड ऑन शॉर्ट ट्रैक्स टू मैनम हिल एंड भालीडुंगा और मोर ट्रेडिशनली नोन एज छारो दोंगछे. एंड यू कैन ऑल्सो हेड टू रिलीजियस प्लेसेस लाइक रालंग एंड ताशिदिंग मॉनेस्ट्रीज. Buddha Park is really close by from here, so come, we'll see you there. रावंगला सिक्किम के साउथ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गैंगटॉक से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के गेजिंग तक जाने वालों के लिए एक मेजर जंक्शन है. Buddha Park या तथागत स्थल was built between 2006 to 2013 on the premises of the old Rabung Monastery. This wonderful park is beautifully highlighted by this 130-foot statue of Lord Buddha that spreads its glow right on top of Rawangla town. The statue here was consecrated by the 14th Dalai Lama in 2013. Gautam Buddha ji ki 2550th birthday ke auspicious occasion ko aur bhi zyada yaadgar banaye rakhne ke liye yahan pe ye magnificent statue banaya gaya tha. इस स्टैचू को ये स्पेशियस और वेल डिजाइंड इको पार्क में बनाया गया है, जहां एक विशाल डोम शेप्ड मेडिटेशन सेंटर भी है. यहां स्टैचू के नीचे एक ब्यूटीफुल गैलरी भी है, लेकिन इधर किसी भी तरह की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. गैलरी हॉल में पेंटिंग, मूर्तियों, शास्त्रों और अन्य आध्यात्मिक कलाकृतियों के रूप में भगवान बुद्ध की निर्वाण तक यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है. मूर्ति का निर्माण 60 टन तांबे और 3 किलो सोने से किया गया है. और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ 11 साउथ एशियन कंट्रीज द्वारा गिफ्ट किए गए गौतम बुद्ध के 11 पवित्र अवशेषों को प्रतिमा में प्रतिस्थापित किया गया है. बुद्ध पार्क या तथाकथित स्थल को साक्यमुनि प्रोजेक्ट के नाम से स्टेट गवर्नमेंट ने पिलग्रिमेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनवाया था. ये स्टेट में बुद्ध भगवान के ट्रायम्विरेट सर्किट को भी एस्टैब्लिश करता है. तथागत स्थल स्पिरिचुअलिटी और पिलग्रिमेज टूरिज्म डेवलपमेंट का एक अनोखा एग्जाम्पल है. रावंगला के बुद्ध पार्क में न्यू सिक्किम के इस अद्भुत पहलू को विटनेस कर पाना अपने आप में स्पेशल और ब्लेस्ड एक्सपीरियंस था. ट्रायम्विरेट पिलग्रिमेज सर्किट के दो डेस्टिनेशंस के दर्शन करने के बाद हम अब वो लास्ट हैलोड स्पॉट जा रहे थे, जहां सिक्किम या बेउल डेमाजोंग के सबसे प्रिय गार्डियन सीन थे, द इंस्पायरिंग गुरु पद्मसंभवा. गुरु पद्मसंभवा की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा साउथ सिक्किम के नामची में समद्रुप्सी के विश फुलफिलिंग हिल पर बनी है. गुरु पद्मसंभवा या गुरु रुम्पुचे ने ही सिक्किम को कई शताब्दी पहले
बेयुल डेमोजों का नाम दिया था और धर्म की रक्षा और प्रचार करने के लिए इस जगह को चुना था। गुरु रिंपुची का ये स्टैचू ऑलमोस्ट 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद कंप्लीट हुआ था और इसे हिज एमिनेंस ख्याब्जे दोंद्रुप छे रिंपुची की गाइडेंस के साथ 28 नवंबर 2003 में इनॉग्रेट किया गया था। माइथोलॉजी में चार धाम की यात्रा मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानी गई है, पर तीर्थयात्री चारों धाम की यात्रा कर पाए कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो भक्तों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सिक्किम में चार धाम मंदिर बनाया गया है। यहाँ बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम, चारों जगह के दर्शन आप एक ही जगह कर पाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस मंदिर को सिद्धेश्वर धाम कहते हैं और ये नामची में है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2011 में। The state has really made a push towards pilgrimage tourism, encouraging worshippers of every faith to come here to fulfill their spiritual needs. सोलोफुक हिल के ऊपर स्थित चार धाम में भगवान शिव की एक 87 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है। ये धाम नामची से करीब 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने के लिए एक सेपरेट और वाइड वेल मेंटेन्ड रोड है। भगवान शिव के भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगा के रेप्लिकास भी बनाए गए हैं। तकरीबन 7 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए चार धाम मंदिर के परिसर में दर्शन लेने वाले यात्रियों के लिए यात्री निवास में अकोमोडेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। 8 नवम्बर 2011 को धाम के प्राण प्रतिष्ठान या अवेकनिंग ऑफ द गॉड सेरेमनी में श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदा सरस्वती महाराज विशेष रूप से उपस्थित थे। स्पिरिचुअलिटी के गेट से नॉलेज और लर्निंग के डोरवे तक हमारी खोज हमें न्यू सिक्किम की ओर यहाँ एक पॉपुलर बुक स्टोर और कैफे की तरफ ले गई। इसे रीडर्स के लिए पैराडाइज भी मान सकते हैं, जहाँ कॉफी के कप के साथ किताबों में डूब जाने का मजा कुछ और ही है। बुक स्टोर ने मुझे फ्रैंक ज़ैपा की एक बात याद दिला दी, सो मेनी बुक्स एंड सो लिटिल टाइम। सो रविंदर, सो आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड शेयर अ लिटिल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ दिस स्पेस एज इट इज टुडे। वेल, आई रीस्टार्टेड द बुक शॉप 18 इयर्स बैक। इट वाज देयर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। And ever since then, as you've witnessed yourself, a lot has been happening. Besides just books, we do events. Mm-hmm. And that has been an integral part of what we do. And that's what keeps a lot of youngsters engaged. And, very recently, we've stepped into publication. We are now focusing into more academic research on Sikkim and works on Sikkim or the region. But essentially, we're looking at books which we would like to hold on and keep selling for a long time. आपके पास ना बहुत अच्छा कलेक्शन है बुक्स का एंड अ वेरी क्यूट कलेक्शन ऑफ फिगरिंग्स। यस, पीपल डू से दैट इट्स अ वेरी केयरफुली क्यूरेटेड कलेक्शन एंड आई डू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप द बुक्स। इन फैक्ट द चैलेंज इज व्हाट बुक्स टू कीप आउट रादर देन टू कीप इन। देयर इज सो मच ऑफ बुक्स कमिंग आउट नाउ एंड नॉट एवरीथिंग इज ग्रेट, बट दे जस्ट हिट द बेस्ट सेलर्स एंड आई अवॉइड दैट। सो द चैलेंज इज टू कीप द बुक्स आउट रादर देन टू गॉट टू गेट द नो। यस नो।
बुक्स सिक्किम की नई जनरेशन को किताबी ज्ञान के साथ साथ कंटेम्प्रेरी और क्रिएटिव एक्सपोजर देने की कोशिश भी करती है, रिमाइंडिंग अस ऑफ द जॉय ऑफ लर्निंग। और अच्छी बुक्स के आसपास होने का मतलब होता है अच्छी संगत के आसपास होना। हमें सिक्किम के कुछ सक्सेसफुल यूथ से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली जो न्यू सिक्किम के निर्माण में अपनी भूमिका बेखूबी निभा रहे थे। अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के बारे में बताते हुए उन्होंने सिक्किम के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कुछ थॉटफुल इंसाइट्स भी शेयर किए। सो टुडे वी आर सिटिंग विद अ वेरी डायनामिक एंड प्रॉमिसिंग ग्रुप ऑफ यंग पीपल फ्रॉम सिक्किम। सो वी वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स व्हाट इज योर ड्रीम ऑफ अ न्यू सिक्किम। इन माय फील्ड व्हिच इज एक्टिंग there are not many people in this field, so what I would like to say is please come up, we are always there to help. I want more youngsters to come forward, you know, and fall in, especially fall in love with this art form, you know. I feel like we should focus on sustainable tourism. I feel like that's how we can preserve our culture, heritage, and have something to offer for the tourists coming in. I believe that I was already on the roadmap of New Sikkim. Doing all the homework to come up with a professional music institute is already a step towards a New Sikkim, which I believe. I feel like Sikkim has everything it needs. It just needs a little more encouragement, maybe. I would like to see an industry where all of us to be under one roof. I believe in like setting examples and like kind of force feeding, you know. The idea, you know, so I think that's the way, make them fall in love with the art form, you know. So basically I think we should focus on getting more quality customers and making less impact on our environment and causing more destruction or, you know, damage to our heritage. So we need high value customers and leave less carbon print, I think. New Sikkim would definitely require a disciplined society, which I believe music would do. My dream for New Sikkim would be to see it setting trends. We need basically an infrastructure for Sikkim. Just a little more encouragement, a little more courage, and I think Sikkim would do great. Time and tide wait for none. लेकिन समय की ये लहर आपको कुछ देर के लिए सच्चाई से दूर जरूर कर देती है और आप ये भूल जाते हैं कि हर जर्नी एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। जैसे जैसे हम बैग्स पैक करने लगे, सच्चाई सामने आने लगी। दिल जैसे बैठा जा रहा था कि अब क्षिप्रा और सोनम के रास्ते बदलने वाले हैं। खोज की ये अद्भुत यात्रा कि ये कुछ आखिरी दिन है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बिताए हुए उन मीठे पलों की यादें मुझे सताने लगी। कुछ दिनों पहले मैं सिक्किम घूमने आई थी, अपनी फ्रेंड सोनम से मिलने आई थी, एक ट्रैवल लॉग बनाने आई थी। पर बहुत कम होता है ऐसा कि आप ट्रैवल करते करते खुद अपने आप से मिल जाते हो। यहाँ आके आई हैव लर्नड सो मच अबाउट माई सेल्फ, अबाउट लाइफ, सोनम के बारे में, सिक्किम के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। आई हैव मेट न्यू पीपल, मेड न्यू फ्रेंड्स, मेड सो मेनी मेमोरीज जो मैं शायद पूरा लाइफ टाइम याद रखूंगी। दिस ट्रिप हैज बीन सो रिलैक्सिंग। यू नो, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने इतनी फ्रेश एयर कब ब्रीद करी थी। अपने आसपास इतनी ब्यूटी देख के, इतना इतनी ग्रीनरी देख के लगता है कि लाइफ इज वर्थ लिविंग, यू नो, ईच मोमेंट, ईच सेकेंड। तो बोलते हैं ना कि ट्रिप वही है जहां से जाने का मन ही ना करे, बट आई थिंक टाइम आ गया है टू से गुड बाय टू दिस पीसफुल हेवन ऑफ सिक्किम।
इस इनक्रेडिबल जर्नी से अब फेयरवेल लेने का टाइम आ चुका था, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं बयां कर पाऊं कि मैं अपनी डियरेस्ट फ्रेंड सोनम को कितना मिस करने वाली हूं। मैं अपने आसपास जो कुछ भी देख रही थी वो मुझे उन मैजिकल मोमेंट्स की याद दिला रहे थे जो हमने साथ में सिक्किम के इस खूबसूरत स्टेट को घूमने में बिताए थे। अलविदा, क्योंकि हमारी खोज अब पूरी हुई।